Shrimati Supriya Sule. Very much. I stand here on behalf of the NCP in support of the Constitutional Amendment Bill 2019, Order of 1950 in the schedule, in part for Karnataka for including this caste. I take this opportunity and I reiterate what my colleague Arvind Savanji said, that in Maharashtra mein ek Dhangar samaj hai, aur unki bahut din se mang hai ki unko ST mein aur SC mein dala jaye, kyunki baki ke desh mein Dhangar samaj ka महाराष्ट्र में पहली बार जब आया था वो धनगर समाज वो एनटी में डाला गया था पहली जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद बहुत देर सालों से हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि इनको एसटी में डाला जाए और एक नहीं दो तीन बार जब जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र आए हैं तब उन्होंने बहुत बार महाराष्ट्र की जनता को और धनगर समाजों को आश्वासन दिया था कि वो उनको एसटी में डालेंगे लेकिन वो अब तक निर्णय नहीं हुआ तो मैं मंत्री जी को विनती करूंगी कि आप कर्नाटक के बारे में यहाँ जो सोच रहे हैं वो अच्छी बात है उसको हम तहे दिल से उसको सपोर्ट करते हैं स्वागत करते हैं लेकिन महाराष्ट्र की जनता की जो मांग है धनगर समाज की जो मांग है उन पे जो अन्याय इस सरकार ने किया उनके यहाँ से तो वोट तो ले लिए लेकिन उनको जो शब्द उन्होंने दिया था जो वायदा दिया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है और इस समाज में एनटी में आने से उनमें बहुत अच्छे बदलाव हुए अच्छी शिक्षा हो आरोग्य सेवा हो उनके बहुत सारे बच्चे अच्छा शिक्षा ले रहे कोई डॉक्टर बन रहा है कोई इंजीनियर बन रहा है लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स है इसमें ज़्यादा उनको बढ़ोतरी नहीं मिल रही है अगर इनको एसटी में डाला जाए एक अच्छा बदलाव इस समाज को मिलेगा क्योंकि द ओनली थिंग दैट इज़ एन इक्वलाइजर इन दिस कंट्री इज़ गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड आई लाइक टू रिटरेट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू गो बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ जस्ट मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिकॉज ही इज़ ब्रिंगिंग पीस बाय पीस मील्स ही आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई डज इट हैव टू बी ओनली विद two small communities, why can't he get a holistic bill of including all the requirements and demands for various states, bring it at one time and not just being small town interventions. If he looks at Pan India, because every state has made some recommendation, so why doesn't he put his mind to it, put his entire hundreds are waiting, so why don't we have a comprehensive plan for the entire state instead of making small constitutional amendments? I wholeheartedly support this, but reiterate my demand ki Maharashtra ki Dhangar samaj ko bhi ye sarkar nyay de. Dhanyawad.